मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भोपाल के बाद अब होशंगाबाद से लव जिहाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग युवती 22 नवंबर से लापता है, जिसे लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। यही नहीं, नाबालिग बालिका के परिजन व अन्य लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। होशंगाबाद में एक नाबालिग युवती पिछले 2.5 माह से लापता है। पुलिस की लापरवाही और ढोलमूल रवैये से अभी तक उस बच्ची का पता नहीं चल पाया, जिससे परिजन और रहवासी नाराज हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। परिजनों का कहना है कि पुलिस की ओर से सही कार्रवाई नहीं की गई है, जिस वजह से अभी तक बालिका का कोई सुराग नहीं मिल सका है। जबकि परिवार ने इस मामले में लव जिहाद का शक होना बताया है और उनका कहना है कि फेसबुक पर मित्रता के जाल में बालिका को फंसाया गया था और उसका अपहरण किया गया है। परिवार के अनुसार उत्तर प्रदेश का शोएब फरहान अंसारी है, जो बालिका का अपहरण कर ले गया है। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इधर लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फेफरताल के दो मामले हैं, दोनों ही लड़कियां नाबालिग है। एक 14 साल की है और एक 16 साल की है। जो 14 साल की है उसको गायब हुए लगभग 7 दिन हो गए हैं। इतवार को गायब हुई थी और उसकी स्थिति है कि पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली है। जो कल लोकेशन ट्रेस की थी उसके हिसाब से लड़का मुसलमान है, समझ में आ रहा है कि लव जिहाद का केस है और लड़की का अपहरण किया गया है, क्योंकि 14 साल की बच्ची अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ अफेयर करके जा नहीं सकती। प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर लोकेशन ट्रेस हो गई है, उत्तर प्रदेश अमरोहा की लोकेशन ट्रेस हुई, तो अभी तक पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की? अभी परिजन मिले हुए थे और इन दोनों मामलों में FIR दर्ज हुई है और पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना शुरू कर दी है। पूरे दोनों मामलों में चूंकि नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला है, तो उसमें संवेदनशीलता बरतते हुए उसकी खोजबीन की जा रही है और बहुत शीघ्र ही हम इस पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 kg का रक्सैक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।